एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम करने वाले हैं बिट मैन्युपुलेशन। बिट मैन्युपुलेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यूज में इस टॉपिक पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आपको लगेगा कि कितना ईजी है, तो ऐसे ही हो गया। फिर वो आपको पूछेंगे कि ये आप बिट मैन्युपुलेशन से करके दिखाओ, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं बिट मैन्युपुलेशन होता क्या है। बिट मैन्युपुलेशन कुछ नहीं है, बस बिट्स और बिट वाइज ऑपरेटर से यहाँ पे खेल रहे होते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग यहाँ तक अगर आप पहुँचे इस वीडियो तक, तो आप बिट वाइज ऑपरेटर्स और बिट्स क्या होते हैं और कैसे डेसिमल को बाइनरी फॉर्म में हम लिखते हैं, वो सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें फोर बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं बिट मैन्युपुलेशन में, जो सबसे पहले हम करेंगे। पहला होता है टू गेट बिट। गेट बिट में क्या होता है कि सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख रखा है, दिस इज 5 का बाइनरी फॉर्म। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन दी रही होगी मुझे, और उस पोजीशन पे मुझे बताना है कि कौन सा बिट है, 0 है या फिर 1 है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो पोजीशन है ये 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, राइट। तो पोजिशनिंग जो होगी वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, तो अब ये बताने के लिए कि उस पोजिशन पे कौन सा बिट है, उसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर फॉर्म करेंगे। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ उस पोजिशन पे 1 होगा, जिस पोजिशन पे हमें बताना है कि कौन सा बिट है हमारे नंबर में। तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे अपना लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो लेफ्ट शिफ्ट कर देता है एक नंबर के बिट्स। तो अगर 1 को मैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर करूँगी 2 से, तो मेरे को जो मिल जाएगा वो ये होगा, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो n हमें दे रखा था और जो ये नंबर है इसका हम एंड कर देंगे। एंड करने से क्या होगा कि यहाँ पे जिस पोजीशन पे हमने 1 लिख रखा है, सिर्फ उस पोजीशन का हमें बिट पता चल जाएगा फ्रॉम आवर ओरिजिनल नंबर, बाकी जो है सारे प्लेसेस पे क्योंकि हमने 0 डाल रखा है इसलिए वो तो 0 हो जाएगा। तो अगर ओरिजिनल नंबर में उस पोजीशन पे 1 है तो 1 के साथ 1 एंड होके हमें मिल जाएगा 1, और अगर यहाँ पे होता 0 तो हमें मिल जाता 0। तो लास्ट में हम बस चेक लगा देंगे कि n और जो ये 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर i हमने किया है, ये अगर 0 आ जाता है देन तो वो 0 है बिट, और अगर नहीं आता है तो मतलब कि वो बिट 1 है, राइट। कोड करके देखते हैं अब हम। ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देंगे int get bit। ठीक है, इसमें हम भेज रहे होंगे अपना नंबर और जिस पोजीशन का हमें बिट चाहिए, राइट। और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे होंगे n एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पोजीशन, राइट। और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना बहुत ज़रूरत है, जिसका आंसर गलत आ सकता है ड्यू टू प्रिसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। इसको हम कंपेयर करेंगे 0 से, अगर ये 0 नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे 1, अगर 0 हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे 0, राइट। और यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे, हमने एग्जांपल में लिया था 5 2 ऑन रन, तो यहाँ पे आंसर आ गया है 1, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे ये 0 नहीं आ रहा था तो आंसर 1 ही आएगा, राइट। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है हमारा वो होता है सेट बिट। अब यहाँ पे हमें पोजीशन दे रखी होगी और नंबर दे रखा होगा, और उस पोजीशन पे हमें सेट करनी है बिट। सेट बिट करने का मतलब हुआ हमें वहाँ पे 1 लगाना है, अनसेट करने का मतलब होता है 0 और सेट करने का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे हम क्या करें होंगे, लास्ट पार्ट की तरह हम एक नंबर बना लेंगे जहाँ पे सिर्फ उस पोजीशन पे 1 होगा जिस पोजीशन पे हमें अपनी बिट जो है सेट करनी है। और लास्ट क्वेश्चन में जैसे हम एंड कर रहे थे तो यहाँ पे हम करेंगे और इसलिए करेंगे क्योंकि हमें अपनी बिट जो है वहाँ पे सेट करनी है। तो और करने से क्या होगा कि उस पोजीशन पे ओरिजिनल नंबर में 0 है तो भी 0 के साथ और ओके 1 जो है वो आ जाएगा 1 फाइनली, और अगर वहाँ पे 1 हुआ तो 1 और 1 तो 1 होता ही है, राइट। तो इससे हमें जो बिट है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर हम एक फंक्शन लिख लेंगे सेट बिट, राइट, और यहाँ पे नंबर जा रहा होगा और पोजीशन जा रही होगी। यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, n और 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पोजीशन। ठीक है, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पोजीशन करके और इसका हम और कर देंगे और यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे, राइट। तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ एंड वी विल कॉल
दिस फंक्शन सेट बिट, इसमें मैं भेज रही हूँ 5 और हमने यहाँ पे पोजीशन ली थी 1, तो यहाँ पे आंसर आ गया 7, जो कि यहाँ पे भी था, राइट, दिस इज 7। तो अगर मैं इस पोजीशन पे 1 सेट कर देती हूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लियर बिट। क्लियर में क्या होता है कि जो हमें पोजीशन दे रखी है उस पोजीशन का जो बिट है वो हमें क्लियर करना होता है, मतलब कि उसे ज़ीरो करना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहले की तरह हम एक नंबर बना लेंगे जहाँ पे सिर्फ उस पोजीशन पे 1 होगा जिस पोजीशन की बिट हमें क्लियर करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो है वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट से क्या होगा कि सारी जो बिट्स हैं इस नंबर की वो फ्लिप हो जाएंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो पोजीशन पे हमें क्लियर करना है अब सिर्फ उस पोजीशन पे 0 है और बाकी सारी पोजीशंस पे हमारा 1 है, ठीक है। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम इसको एंड करने वाले हैं अपने ओरिजिनल नंबर से, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इस नंबर में उस पोजीशन पे 0 है जिस पोजीशन को हमने क्लियर करना है। तो इसको जब हम एंड कर देंगे अपने ओरिजिनल नंबर से तो चाहे वहाँ पर कुछ भी हो वो 0 ही हो जाएगा, राइट। तो हमें मिल जाएगा अपना आंसर। इसको करते हैं कोड, इंट क्लियर बिट इंट n इंट पोजिशन, और यहाँ पे हम जो हैं हम एक पहले नंबर बना लेते हैं, इंट मास्क बोलेंगे हम इसको। मास्क हम इसलिए बोलते हैं यहाँ पे क्योंकि हम जो है मास्किंग कर रहे हैं कि कौन से डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमने 1 लाना है और किस बिट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 0 लाना है। तो इसको बस लाइक एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पोजिशन का, राइट। और यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे होंगे क्या, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसको इससे एंड करके, तो n एंड मास, राइट, ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे मैं इसको कमेंट करके कॉल कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है 1, जो कि आपने यहाँ पे देखा था कि ये हमारे आंसर जो है 1 ही मिल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अपडेट बिट, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अपडेट बिट में हम क्या कर रहे होते हैं कि जो हमें पोजीशन दे रखी होती है उस पोजीशन का बिट जो हम अपडेट कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये भी दे रखा होगा कि हमें अपडेट किससे करना है, उसको 0 बनाना है या 1 बनाना है। तो यहाँ पे हमें एक नंबर दे रखा है और हमें फर्स्ट पोजीशन मतलब कि ये वाली पोजीशन को अपडेट करना है और यहाँ पे बनाना है 1, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिस पोजीशन पे हमें अपडेट करनी है बिट वो पोजीशन की बिट जो है हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो जो क्लियर बिट के लिए हमने प्रोसीजर फॉलो किया था हम वही फॉलो करेंगे, हम एक मास्क बिट बनाएंगे, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेकर इसका, और उसको एंड कर देंगे ओरिजिनल बिट से, तो हमें ये मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें इस पोजीशन पे जो है अपनी बिट सेट करनी है, ठीक है। तो अपडेट इज़ नथिंग बट क्लियर बिट एंड देन सेट बिट। तो सेट बिट का प्रोसीजर हमने देखा था कि पहले 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पोजीशन कर देंगे हम और फिर उसको और कर देंगे हमारे ओरिजिनल नंबर से, राइट। तो हमें मिल जाएगा जो हमें आंसर चाहिए, एंड दिस इज 7, ठीक है। तो इसको भी एक बारी कोड करके देखते हैं, इंट अपडेट बिट, और यहाँ पे हमारा आ रहा होगा नंबर पोजीशन और जो हमें वैल्यू सेट करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लियर बिट, ठीक है। तो क्लियर बिट के लिए हमने यहाँ पे मास्क बना लिया और हमने n को वैल्यू दे दी, n एंड मास्क, ठीक है। तो n में अब जो वैल्यू स्टोर है वो है जिसमें हमने पोजीशन जो हमें दे रखी है उसका बिट हमने क्लियर कर दिया। अब हमें जो हमें वैल्यू दे रखी है उसको सेट करना है ना। तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सेट बिट में किया था वही चीज़ हम करेंगे, बस यहाँ पे 1 की जगह जो है हम वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर हमने वैल्यू 0 सेट करनी होगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये पूरा चीज़ जो है वो 0 ही हो जाएगा, राइट। तो हम रिटर्न कर देंगे n एंड वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि हम क्यों जो है वैल्यू डाल रहे हैं इंस्टेड ऑफ 1। अब यहाँ पे इसको मैं कमेंट करके
और यहाँ पे हम कॉल कर देंगे अपने फंक्शन को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, 5 पोजीशन 1 और 1 जो है हमें सेट करना है। तो रन, आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया 7, जो कि आपने यहाँ पे देखा था 7 ही आ रहा था, राइट। तो ये हो गया अपडेट बिट। अब हमने 4 जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं बिट मैन्युपुलेशन के वो पढ़ लिए हैं। दीज आर गेट बिट, सेट बिट, क्लियर बिट एंड अपडेट बिट। तो अगर आप लोगों को ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, तो इसके बाद जो हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं बिट मैन्युपुलेशन पे, वो काफ़ी इजी हो जाएंगे आपके लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।